नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि कल आप सभी छात्रों का जो रिजल्ट है पीटीटी का, वो जारी हो चुका है। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, जाने के बाद में पीटीटी 2 ईयर के लिए भी और पीटीटी 4 ईयर के लिए भी आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। आप पीटीटी 2 ईयर के लिए देखना चाहते हो तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपको वहां पर अपने रोल नंबर, साथ में आप जनरल डिटेल से भी अपना जो रिजल्ट है वो देख पाते हो, यानी कि आप अपना नेम, मदर नेम और अपनी DOB लगाकर भी आप अपना रिजल्ट है वो देख पाओगे। वहां से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अब काफी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगी? साथ ही में काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, उसी के बाद में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, चॉइस फिलिंग है वो किस तरीके से आपको करवानी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए। सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? पीटीटी से रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट में भी बोला था कि जितनी भी जो अपडेट रहेंगी वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप भी अगर मतलब अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? उसी के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपका कल आपका रिजल्ट जारी हो चुका है 4 जुलाई को। लास्ट ईयर की बात ही अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर एक तरीके से आपकी जो काउंसलिंग है, देखो काउंसलिंग हमेशा 6 या 7 दिन बाद में स्टार्ट होती है, तो तकरीबन आपको मैं क्लियर करूँ तो 10 जुलाई से जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में कितने पैसे आपके लगेंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा, टोटल फीस आपकी कितनी रहेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या यहाँ पर बनवाना है और क्या क्या आपको यहाँ पर एक तरीके से ऑलरेडी रेडी करके रखना है, ठीक है? वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं, काउंसलिंग आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई, ठीक है? 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी, 20 से 25 जुलाई तक आपकी चलेगी, यानी कि 10 से 15 दिन आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर भी 25 जून से स्टार्ट हुई थी और 17 जुलाई तक चली थी, उसके बाद में 4 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक एक तरीके से चॉइस फिलिंग चली थी, ठीक है? अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना होता है। तो आपकी काउंसलिंग 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और जो कि 25 जुलाई तक आपकी चलेगी, ठीक है? कुछ दिनों में जो शेड्यूल है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब उसी के बाद में जो आपकी चॉइस फिलिंग है, जो आपकी एक तरीके से 30 जुलाई 29 या 30 जुलाई तक आपकी चलने वाली है, इसी में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखो चॉइस फिलिंग में क्या होता है, इसमें एक तो आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग आप करवा सकते हो, आपके 5,000 रुपए लगेंगे काउंसलिंग के। काउंसलिंग करवाने के बाद में वो रिसिप्ट है आप अपने पास में रखना, क्योंकि जब आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां पर वो रिसिप्ट आपकी चाहिए होगी। साथ ही में वो जो रिसिप्ट है आपकी एक तरीके से स्कॉलरशिप में भी चाहिए होगी, तो उसको आप अपने पास रखना। चॉइस फिलिंग है एक तरीके से, कॉलेज चॉइस फिलिंग है। उसमें क्या होता है, उसमें को मैं बताना चाहूंगा, देखिए जिन स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जैसे आपको पता है कि मेरे नंबर जैसे 400 प्लस आ रहे हैं, ठीक है? और मतलब कि आपके अनुसार मैं खुद को मान के चल रहा हूं, ठीक है? 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है? और मुझे पता है कि जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट अलवर है, अलवर में मुझे ये कॉलेज सेलेक्ट करनी है, तो आप जो लिमिटेड कॉलेज है, जो भी आपके घर के यानी आपका होम टाउन हो गया या आपका जो घर है, घर के तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी कॉलेज पड़ती है उन कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, उन 10 कॉलेज में ही आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो वो स्टूडेंट उन कॉलेज को सेलेक्ट करना। जिनके नंबर मीडियम आ रहे हैं कि लग रहा है कि मुझे इन कॉलेज में भी एक तरीके से एडमिशन मिल जाएगा, तो वो 10 से 15 या 20 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में आप ध्यान रखना कि आपको ओल्ड राजस्थान पर जरूर सेलेक्ट करना है। ये अगर ई मित्र वाले को नहीं पता है तो आप खुद से भी उनको बता सकते हो कि आपको ओल्ड राजस्थान पर सेलेक्ट जरूर करना है, ठीक है? चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि देखो हमेशा क्या होता है, जैसे आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट की, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद में आपके 90 नंबर की कॉलेज है आपको एक तरीके से अलॉट हो गई। अब अगर उसके बाद में आप अपवार्ड करवाते हो, यानी कि अगर आप जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट हो और आपको जो कॉलेज मिली है वो सीकर में मिली है, उसके बाद में आप अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हो, वहां से कॉलेज चेंज हो जाएगी। तो जो आपको 90 नंबर की कॉलेज मिली है, 10 कॉलेज आपने सेलेक्ट की, 90 नंबर की कॉलेज आपको मिली, तो उससे ऊपर की कॉलेज आपको मिलेगी, यानी 1 नंबर से लेकर 8वें नंबर की कॉलेज आपको मिलेगी। काफी छात्रों को डाउट रहता है कि सर मुझे तो फर्स्ट नंबर की कॉलेज मिली और मुझे अपवार्ड करवाना है, यानी कि मैं सीकर का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज मुझे अलवर मिल गई और मुझे अपवार्ड करवाना है, और जो मुझे कॉलेज मिली है वो फर्स्ट चॉइस में एक तरीके से फर्स्ट नंबर पर मुझे जो कॉलेज मिली है वो अलवर मिली है, ठीक है? और मुझे सीकर
के लिए चेंज करवाना है तो आपकी कॉलेज चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो ऊपर वाली कॉलेज है, ठीक है, ऊपर वाली अपर लेयर की जितनी भी कॉलेज है वो एक तरीके से चेंज होती है, लेकिन जो नीचे की जो कॉलेज है वो चेंज नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जैसे कि आपको एक नंबर की कॉलेज मिल गई तो इससे ऊपर कोई कॉलेज नहीं पड़ती, तो वो कॉलेज आपकी चेंज नहीं होगी, वो कॉलेज यथावत आपकी रहने वाली है। अब इसी के बाद में आपकी जो कॉलेज चॉइस फीलिंग है वो आपकी एक तरीके से 30 जुलाई तक आपकी चलेगी। उसमें ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है वो आप सभी छात्रों को ओल्ड रास्ता पर क्लिक करना है। वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर आपके नंबर ही कम है तो आपको ओल्ड रास्ता में जहां पर भी आप कॉलेज मिल रही है तो वहां पर आप कॉलेज ले लोगे, और उसके बाद में आप अपवार्ड करवा लेना। यानी कि अगर जैसे आप मान लीजिए आप जैसे सीकर के स्टूडेंट हो और आपको जैसे कॉलेज मिली श्रीगंगानगर, ठीक है, वहां से आपको मतलब कि वहां पर मिल गई आपको ओल्ड रास्ता पर आपने सेलेक्ट किया और वहां पर आपको कॉलेज मिल गई, उसके बाद में आपको सीकर में चेंज करवाना मतलब कि सीकर में कॉलेज लेना है, तो उसके बाद में आप अपवार्ड करवा सकते हो, जो कि मैंने प्रोसेस आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। उसी के बाद में जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी कब जारी होगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, वैसे लास्ट ईयर की बात करें तो वो आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो 27 जुलाई को जारी हो गई थी, यानी कि 20 जुलाई तक चली थी, तो 7 दिन बाद में जारी हो गई थी। तो तकरीबन आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी अगस्त में जारी होगी, लेकिन मुझे जिस हिसाब से एक तरीके से इस बार एक मंथ से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता था कि 9 जून को एग्जाम हुआ था, 9 जून के बाद में 4 जुलाई को एग्जाम है, मतलब कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। आपको भी पता है वैसे देखा जाए तो 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट जारी होना था, लेकिन 4 जुलाई को ही शाम के 4 बजे रिजल्ट है वो आपका जारी हो चुका है, ठीक है। अब इस हिसाब से लग रहा है कि आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगी, तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, उसी के बाद में जो स्टूडेंट जैसे पीटीटी 2 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में जो स्टूडेंट मतलब कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, उसी के बाद में आपका मूल निवास हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र का ध्यान रखना कि वो जाति प्रमाण पत्र आपका 6 मंथ या 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो उसको आप चेंज करवा लेना, ठीक है। यानी कि उसको आपको अपडेट करवा लेना है, किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर वो अपडेट हो जाएगा। मूल निवास अगर आपका पुराना है तो वो चल जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आप कॉलेज से भी ले सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्सेज के हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड करेंगे पीटीटी के माध्यम से, तो वो स्टूडेंट स्कूल से जाकर अपने टीसी और साथ में जो अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप वहां से बनवा लेना, ठीक है। वो सब कुछ आप जब कॉलेज मिलेगी आपको तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। उसी के बाद में जब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसके तकरीबन 5 या 6 दिन बाद में एक तरीके से शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको कॉलेज में इतनी फीस सबमिट करवानी है। देखो, 5,000 रुपये तो आपकी काउंसलिंग फीस रहती है, जो कि आपको रिफंडेबल रहती है। यानी कि अगर आपको बाई चांस कोई कॉलेज नहीं मिलती है और कॉलेज मिलने के बाद में भी आपको वहां पर सीट नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना कि वो पैसे है वो आपको मिल जाएंगे। 5,000 रुपये आपको रिफंडेबल होता है, उसके लिए अलग से एक रिफंड प्रोसेस का फॉर्म लगता है, जो अभी 2023 वाले जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए लग रहा है। तो वो फॉर्म के बाद में आपका जितना भी पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जो फीस रहेगी, 5,000 रुपये तो आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी, साथ में 22,000 रुपये आपकी कॉलेज फीस रहेगी, 22 + 5 27,000 रुपये आपकी फीस रहेगी। अब ये 27,000 रुपये जैसे मतलब कि आप 22,000 रुपये सबमिट करवाओगे, उसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो आप अपने पास में रखना, क्योंकि जब आप एक तरीके से स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हो, इसके लिए एक योजना चलती है समाज कल्याण विभाग SJE की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। उसमें जितने भी आपकी फीस है, 27,000 रुपए है, वो आपकी फीस है, 2 किस्तों में आपको आपके बैंक अकाउंट में है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा जब आपके लिए फोरम स्टार्ट होंगे स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो स्पेशल एक तरीके से बीएड के स्टूडेंट है उन सभी के लिए रहता है, और उनमें भी जो SC ST OBC और एक तरीके से मतलब कि OBC BPL के स्टूडेंट है उन सभी के लिए रहती है, बाकी जनरल के स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं रहती है, जनरल हो EWS के लिए वो नहीं रहती है, ठीक है। उनके लिए रहती है CM स्कॉलरशिप योजना।
ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद में कॉलेज में आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग करवानी होती है। रिपोर्टिंग एक तरीके से क्या होता है कि आपको कॉलेज में खुद को जाकर उपस्थित होना होगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होती है, काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर मुझे कॉलेज का पता कैसे लगेगा। देखो वैसे तो आप रिजल्ट मतलब कि अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसमें देख पाओगे कि ये कॉलेज आपको मिली है और इस कॉलेज में जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाना है। अगर नहीं पता लगता है तो आपका जो भी वेरीफाइड मोबाइल नंबर है जो आपने वहां पर फोरम में डाला था उस फोरम के मतलब जो नंबर है उस पर एक तरीके से मैसेज कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा या कॉल कर दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिली है और आपको ये डेट से लेकर इस डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है अपनी फीस है वो आपको सबमिट करवानी है। नेक्स्ट उसके बाद में काफी छात्रों का डाउट रहता है कि सर जैसे मैंने कोई कॉलेज मुझे मिली और कॉलेज मिलने के बाद में मैंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया फीस सबमिट करवा दिया और उसके बाद में मुझे अपवाड़ में दूसरी कॉलेज मिल गई, ठीक है, क्योंकि उस कॉलेज का टाइम लिमिटेड था। जैसे कि मान लीजिए 5 अगस्त तक था और 5 अगस्त तक मैंने सबमिट करवा दिया, अगर नहीं करवाता तो डेट निकल जाती, हाँ करवा दिया और मेरा जो अपवाड़ का रिजल्ट था वो लेट आया और लेट आने के बाद में जो मुझे कॉलेज मिली है वो मुझे होम टाउन में मिल गई। अब मुझे उस कॉलेज में जाना है तो अब यहाँ से मैं फीस वगैरह कैसे लूँ? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फीस यहाँ पर आपने दी है वो वहीं पर चली जाएगी, वो एक तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि पूरा विभाग के अंडर रहता है और विभाग रहता है VMU वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसी के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवाने हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपने यहाँ पर सबमिट करवा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको ओनली रिपोर्टिंग करनी होती है तो उस कॉलेज में आपको जो सीट है वो मिल जाती है और जो ये सीट है वो किसी अदर स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस रहता है PTT के लिए। बाकी देखो आपका जो भी छोटा सा छोटा कोई भी डाउट रहता है PTT से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 लिस्ट आप सभी छात्रों के लिए जारी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।